हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम्स क्लब बाय सेलिना। जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, तो आज मैं गणपति जी का सिंहासन बनाना दिखाऊंगी, जो कि बहुत सिंपल है बनाना, बट देखने में बहुत सुंदर है। तो आज मैं दो आसन बनाना दिखाऊंगी। तो जो पहला वाला आसन है, उसके लिए मैं यहाँ पे एम्प्टी स्वीट बॉक्स ले रही हूँ। तो ये बॉक्स को मैं आज बेस की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे वाले बॉक्स घर में बहुत कॉमन है, आते रहते हैं। तो इसलिए मैं आज ये बॉक्स को लेके आज पहला वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। बॉक्स में जो एम्प्टी स्पेस है, इसको फिल करने के लिए मैं यहाँ पे थर्मोकोल का सीट ले रही हूँ। बॉक्स के मेजरमेंट मैंने थर्मोकोल सीट को कट कर दिया था, और अभी इसको फिल करके मैं इसको कवर कर दूंगी एक न्यूज़पेपर से। मुझे एक्चुअली इसका जो कवर है वो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसको ऐसे पेपर से कवर कर रही हूँ। ये बेस को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे रैपिंग पेपर ले रही हूँ। बॉक्स के मेजरमेंट में मैंने ये रैपिंग पेपर को कट कर लिया है, और जैसे हम गिफ्ट को रैप करते हैं वैसे ही मैं इसको अभी ऐसे कवर कर दूंगी। पेपर बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है, तो अभी इसको मैं डेकोरेट करूंगी। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ लेसेस का यूज करूंगी। इसके लिए मैं कुशन बनाऊंगी। तो कुशन के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से थिक पेपर ले रही हूँ, एंड इसका भी ऐसे रोल बनाना है। इसको रैप करने के लिए मेरे पास कुछ गोल्डन सीट थी, तो वो गोल्डन सीट को मैं इसके ऊपर रैप कर दूंगी। तो ऐसे ही मैंने बहुत इजीली ये वाली आसन बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक। अभी मैं सेकेंड से आसन बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ऐसे कोरियर का बॉक्स ले रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने हाइट वाला लिया है, तो एक मैंने थोड़े कम हाइट में बनाया है और दूसरा वाला थोड़े ज़्यादा हाइट में बनाऊंगी। तो ये जो हाइट है, इसको कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे पेपर्स को पहले अरेंज करना है, अच्छे से इसको सेट करना है। ऊपर लेवल तक मैंने इसमें पेपर अभी सेट कर दिया है, और अभी इसको मैं सेलो टेप से कवर कर दूँगी। इसमें बहुत सारा पेपर गया है, तो ये जो बेस है ये अच्छा खासा हैवी हो गया है। तो अगर हमारा गणपति जी का मूर्ति थोड़ा हैवी है, तो उसके लिए ऐसे वाले आसन बहुत अच्छा रहेगा। अभी इसको और भी स्ट्रांग बनाने के लिए मैं यहाँ पे वही बॉक्स के मेजरमेंट में कार्डबोर्ड को कट कर लिया है, और कार्डबोर्ड को अभी इसके साथ में पेस्ट कर दूंगी। तो ये बॉक्स को कवर करने के लिए मैं ये आसन का यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे वेलवेट का क्लॉथ चाहिए था, जो कि मुझे नहीं मिला, तो मैं ये मेरे पास एक वेलवेट का ये आसन था, जो नॉर्मली भगवान जी को बिठाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये अभी इसमें मैं पेस्ट कर दूँगी। एक को मैंने पेपर से रैप किया और एक को मैंने क्लॉथ से भी रैप कर रही हूँ।
तो जो आपको इजी लगे और आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप उसको बना सकते हैं। नीचे की तरफ से ये जो क्लॉथ है ये थोड़ा कम पड़ गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे जो गोल्डन का मैंने सीट पहले यूज़ किया था वो जहाँ जहाँ मुझे कम पड़ रहा है उसको लेके मैं कवर करके इसको पेस्ट कर दूँगी, तो मेरा ये अच्छे से कवर हो जाएगा। पिल्लो के लिए मैं यहाँ पे भाई सेम थिक पेपर ले रही हूँ एंड इसको थोड़े से बड़े साइज में मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये जो मेरा आसन है ये थोड़ा सा बड़ा है। अगर ऐसे थिक पेपर नहीं है तो इसकी जगह पे हम न्यूज़पेपर भी नॉर्मली ले सकते हैं, उसको भी ऐसे रोल करके हमें उसको पिल्लो बना सकते हैं। तो अभी मैं ये जो मेरा पिल्लो था उसको मैं दूसरे कपड़े से इसको कवर कर रही हूँ। अभी इसको कवर करने के लिए मैं वो जो पहले चक्री यूज़ किया था वो नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत बार चक्री हमें नहीं मिलता है, तो हम ऐसे नॉर्मली जो ग्लिटर शीट आता है वो भी हम काट के इसमें पेस्ट कर सकते हैं। और कोई भी आप आपके पास मिरर स्टिकर जो भी होगा आप उसको ऐसे लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी बहुत क्विकली एंड एक सिंपल वे में और एक सिंहासन मैंने बना दिया है जो कि देखने में बहुत सुंदर है एंड इसका भी कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ऐसे आसन अगर हम घर में खुद बना सकते हैं और भगवान जी को उसमें बिठाते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होता है, इसलिए मैं बहुत इजीली बनने वाला और वो भी बहुत कम मटेरियल यूज़ करके कैसे हम बना सकते हैं भगवान जी का आसन वो आपको दिखाया है। आई होप आपको ये दोनों आइडियाज़ पसंद आया होगा। तो फिर मिलूंगी और एक फेस्टिव आइडियाज के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर देना।